रिवाइवल जो है वो सर्विस सेंटर फॉर फुटवेयर एंड लेदर गुड्स। देखिए, नाई भी बाल काटता है और एक सैलून में भी कटवाते हैं, जावेद हबीब में भी, तो जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है। पुराने जूते दो, नए जूते ले जाओ। रिवाइवल, रिवाइवल क्या है रिवाइवल? इसको देखकर कहीं से आप बोल सकते हैं कि ये इसी कलर में था। पांचों मेरा है तो मैं कहीं भी घूमे भटकती रहती हूँ। आपके चैनल का नाम बताते हैं तो मैं उनको। हेलो एवरीवन, आई एम जय। वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा व्लॉग लेकर आया हूँ। यहाँ पर अपने शूज़ को आप लोग नया करवा सकते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या बात है भाई, तो रोड पर मोची से करवाते हैं, बट यहाँ पर कुछ ही स्पेशल है। अंदर चलेंगे और बात करेंगे। अभी मैं आपको ले जाने वाला हूँ रिवाइवल में। क्या है रिवाइवल, अंदर चल के आपको पता चलेगा। तो इसी में गाइस अभी हम लोग जाने वाले हैं। लोकेशन आप लोग देखिए, लिखा हुआ है ब्रांच 1150 बोरिंग रोड, अंधपुरी पटना। ब्रांच ये है, तो यही इसका एड्रेस है। तो क्या नाम हुआ मैं आपका? शाजिया कैसर। और ये रिवाइवल मैम क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। रिवाइवल जो है वो सर्विस सेंटर फॉर फुटवेयर एंड लेदर गुड्स है, जिसके तहत आप अपने गंदे पुराने शूज़ को रिपेयर एंड रिफर्बिश करवा सकते हैं। मतलब रिफर्बिश मतलब क्या, नया क्या है उसको करवाना क्या? रिफर्बिश मीन्स होता है वो उसकी पूरी डीप क्लीनिंग और उसका जो भी अगर डलनेस है वो ग्लो शाइन के साथ, मतलब न्यू कंडीशन में। तो मैम आपके पास आएंगे, इससे अच्छा हम लोग मोची जो होता है उसके पास जाने में क्या मतलब फर्क क्या है? फर्क आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जैसे जो कॉबलर हैं वो भी स्किल्ड नहीं है और ना उनके पास उतने टूल्स और केमिकल्स हैं जिसके थ्रू वो अपने सर्विसेज को ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। तो यही कमी तो थी जो कि रिवाइवल का जन्म हुआ, कि हम एक प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर हैं। जो बाहर मतलब मैम हम लोग करवाते हैं तो उसमें तो लगता है कि थोड़ा दिखने भी लगता है, पता भी चलता है। अच्छा, बाहर तुम करवाए रोड पर से, तो आपके यहाँ ये वैसा होगा या फिर ले आएगी नहीं पता ही नहीं चलेगा, कुछ डिफरेंस तो होगा? देखिए, नाई भी बाल काटता है और एक सैलून में भी कटवाते हैं, जावेद हबीब में भी, तो जो डिफरेंस है वही डिफरेंस है। और दूसरी बात जहाँ तक रही कि जैसे आप कॉबलर के पास जाएंगे, ये इवन हर लोग जाता ही है, तो आपको पता है उनके पास दो सर्विस सिर्फ मिलेगी, स्टिचिंग और पेस्टिंग, उसके अलावा तीसरा सर्विस नहीं है। रिवाइवल ये जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका, सिर्फ रिपेयरिंग पोर्शन ही नहीं, रिपेयरिंग में और भी जितने ज़्यादा जैसे सोल रिप्लेस, नेट रिप्लेस, आपका कस्टमाइज स्टिकर बनाना या कस्टमाइज शूज़ बनाना बनवाना अपने कपड़े के अकॉर्डिंग या अपनी चॉइस के हिसाब से, दूसरा क्लीनिंग सर्विस है, मेकओवर है, कलर चेंज है, ये सारी सर्विसेज हैं। तो मैम सब मतलब इतना सर्विस है, सबका चार्ज भी अलग हो गया, सबका सेम ही रखा गया चार्ज? नहीं, जैसा अकॉर्डिंग टू वर्क जो है उसी हिसाब से उसके चार्जेस हैं। और हम सिर्फ फुटवेयर ही नहीं करते, फुटवेयर इज़ आवर हीरो प्रोडक्ट, हीरो सर्विस, बट साथ में हम लोग बैग्स, जैकेट और भी उससे रिलेटेड जैसे स्कूल बैग्स वगैरह हैं, बच्चों के ट्रॉली बैग हैं, घर के ट्रैवल बैग हैं, वो सारे करते हैं हम लोग। मतलब जो भी जूते के अलावा भी अलग से बहुत सारे रिफर्बिश होता है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, जो भी आपके डेली नीड्स के जो भी जो जो एक्सेसरीज है जिसकी अभी तक मार्केट में सर्विस अवेलेबल नहीं थी, हम वो चीज़ करते हैं। तो मैम मतलब किस टाइप का आप लेती हैं, मतलब पुराना हो, नया हो, या बहुत सस्ता वाला हो जूता, मतलब किस टाइप का जूता लेती हैं यहाँ पर? नहीं देखिए, हम तो सर्विस दे रहे हैं, अब किसी का प्राइस 500 हो, 5,000 हो, 50,000 हो, हम वो मैटर नहीं करता है। हम जो सर्विस जो प्रोसेस से करते हैं वो हम उसका चार्ज लेते हैं, तो शूज़ के चार्ज पे हमारा चार्ज डिपेंड नहीं करता, हमारी सर्विस पे हमारा चार्ज डिपेंड करता है। और अगर शूज का मतलब कंडीशन बहुत खराब रहा तो उसके लिए आप क्या बोलेंगी? देखिए, हमारा हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ख़राब से ख़राब सिचुएशन को भी हम लोग दुरुस्त करके दे, लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा ही रहता है तो हम उनको खुद सजेस्ट करते हैं कि आप इसमें पैसा मत लगाइए, क्योंकि वो आपके लिए वर्थफुल नहीं होगा, तो हम उनको एक ऑनेस्ट रिव्यू भी देते हैं। ऑफर मैम यहाँ पर क्या मिलेगा, कुछ बताइएगा? जी, अभी हमारा मानसून ऑफर चल रहा है जो कि 30 अगस्त तक, 30 या 31, 31 अगस्त तक है। अगर आप 5 पेयर ऑफ फुटवेयर एक साथ हमसे क्लीनिंग करवाते हैं तो वो आपको उसका कॉस्ट सिर्फ 1,000 ही लगेगा। ऐसे हमारा क्लीनिंग का जो चार्ज है वो 300 पर पेयर है। और जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि लोग कॉबलर के पास ना जाके हमारे पास क्यों आए। सैंपल मैम दिखा रही है गाइस, क्या यहाँ पर क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो आपको पता चल जाएगा। एक हमारा रेडी शूज है,
ये आप इसको देखिए, इसको देखकर कहीं से आप बोल सकते हैं कि ये इसी कलर में था या इसका कलर पहले प्रीवियस कुछ और हुआ होगा। नहीं, नया लग ये पहले लाइट ब्लू में था, ठीक है, और बहुत ही डल और भद्दा था, और उसको हमने कलर डाई ऑप्शन में ये ब्लैक परमानेंट डाई किया है। और इसकी देखिए फिनिशिंग, वो खुद अपने शूज़ को पहचान नहीं पाएंगे, उनको ये लगेगा कि वो नया पेयर ऑफ शूज़ हमसे ले रहे हैं। और इसका कॉस्टिंग महज 600, नहीं रिपेयरिंग वाला जो है उसमें हमारा कोई भी ऑफर नहीं है, जो क्लीनिंग सर्विस में उसमें हमने मॉनसून ऑफर निकाला है कि 5 पेयर अगर हमें एक साथ मिलते हैं तो हम उनको जो है 1000 ही उनका चार्ज करेंगे। सिर्फ मैं स्टिचिंग वगैरह किसी को करवाना है शूज में, उसका यहाँ पर क्या चार्ज होगा? अकॉर्डिंग टू उसका, जैसे अगर माइनर है तो माइनर चार्ज लगेगा, मेजर है तो मेजर चार्ज लगेगा। मेजर भी लगेगा तो मैक्सिमम 200 से 250 रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा स्टिचिंग का। ये देख लीजिएगा, यहाँ पर शूज है, ये सब हम क्या रिपेयरिंग वाला है? ये सारे रेडी, नहीं इसमें कुछ रिपेयरिंग है कुछ क्लीनिंग है, मतलब अलग अलग काम है। तो ये यहाँ पे ना सारे रेडी शूज रखाते हैं, फिर हम फिर कस्टमर को कॉल करके बोलते हैं कि आप आके ले जाइए, जिनका डिलीवरी रहता है उनको ड्रॉप करवा देते हैं। और इसका कितना ब्रांच है मैम? इसका पूरे पटने में टोटल 5 ब्रांच है, जो कि हमारा जो एक स्ट्रेटेजी था कि हम पूरे पटने को कवर अप कर पाएँ। अगर जो बहुत ईगर हैं बट वो दूरी की वजह से नहीं आ पा रहे हैं और ऑनलाइन पे उनको उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं है, तो इसीलिए हमारा जो है फ्रेजर रोड में है, आपका कुर्जी में है, और राजा बाजार में है, अनिशाबाद में है, और पांचवा ये बोरिंग केनाल रोड में है। मतलब पहला कौन, ये बोरिंग वाला? पहले तो स्टार्ट किया था हमने वो अल्पना मार्केट में था, तो अच्छा, वो कोरोना में ही उसको मैंने वो ऑफ करके यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। आपका मेन या फिर हर जगह पे? अच्छा, पांचों मेरा है तो मैं कहीं भी घूमे भटकती रहती हूँ, पांचों में पांचों कहीं आपके का है, आपने पांच। मतलब देखती है ना? हाँ, पूरा उसका मैनेजमेंट से लेकर एवरीथिंग सब हमारा है। और टाइमिंग मैम क्या है खुलने का इसका, और ऑफ होने का? किस दिन आप बंद रहता है, किस दिन खुला रहता है? नहीं, ये ऑल डेज ओपन है और इसकी टाइमिंग जो है 10:30-11 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक ऑल डेज ओपन है। और बहुत जो जैसे जो फेस्टिवल जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें बस आपको ऑफ मिलेगा, अदरवाइज ये ऑलमोस्ट सब डेली ओपन रहता है। और कांटेक्ट नंबर मैम, अगर मतलब आप बोलिए ऑफ रहेगा तो कैसे हो, कांटेक्ट नंबर कुछ वगैरह देती होंगी ना? हाँ, हमारा वेबसाइट है, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे शू रिपेयर इन पटना तो रिवाइवल ही आ जाता है, तो वहाँ से जो भी कांटेक्ट नंबर है आपको कॉल कीजिएगा तो वो कोई ना कोई रिसीव कर ही लेगा और आपको बता देगा। और मैम शूज या बैग वगैरह जो बोलिए देंगे तो कब तक मेरे को मिल जाए? उसी दिन मिलेगा, 2 दिन बाद मिलेगा, 4 दिन बाद मिलेगा? नहीं देखिए, जैसे बहुत अगर जैसे सिर्फ क्लीनिंग में हम लोग एक एक्सप्रेस सर्विस देते हैं जो कि एक्स्ट्रा चार्जेबल होता है, और वो जो है 24 घंटा में हम दे देते हैं, वो सिर्फ क्लीनिंग पे एप्लीकेबल होता है। लेकिन बाकी जो है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी पर, अगर वो सारा मटेरियल और वो सब चीज़ अगर है तो फिर हम करके दे देंगे एक दिन में ही। लेकिन नहीं है, क्योंकि जैसे सर्विस में ये होता है ना कि ये आपका थोड़ा सा कस्टमाइज वाला पार्ट आ जाता है, सब में एक जैसा चीज़ नहीं होता है, तो कम से कम हम 2 से 3 दिन का टाइम लेते हैं और मैक्सिमम एक सप्ताह का समय लेते हैं। ये गैस यहाँ का देखिए कार्ड है, फोन नंबर, वैसे आपको नहीं पता चला तो मैं डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर दे दूंगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और नीचे जीमेल भी है, यहाँ इस पर बात कर सकते हैं आप लोग। और इसका वेबसाइट भी देखिए लिखा हुआ revivalservice.in। तो मेरे चैनल के थ्रू जो आएंगे मैम उनको कुछ डिस्काउंट वगैरह कुछ मिलेगा कि नहीं? बिल्कुल मिलेगा, जो भी कैंडी मैन के ब्लॉग के सब्सक्राइबर या उनके व्यूअर्स जो भी आएंगे, अगर वो आपके चैनल का नाम बताते हैं तो मैं उनको क्लीनिंग में 100 रुपीज़ का फ्लैट डिस्काउंट दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल के थ्रू आ रहे हैं तो आपको क्लीनिंग में डिस्काउंट मिल जाएगा और जो कुछ मिल जाएगा आप लोग आइए एक बार ले, बट मेरे चैनल का आपको नाम लेना पड़ेगा, मैं आपको बताना पड़ेगा चैनल देख कर आ रहे हैं। तो चलिएगा इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग आपको अच्छा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके, बाय, टेक केयर।